मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास, मेरा उल्हास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्हास, 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 मेरा उल्हास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा उल्लास यानी हमारा, आपका, हम सबका शहर उल्लास नगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, इसी से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि क्या घट रहा है हमारे अपने शहर उल्लास नगर में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। साईं वसंत शाह दरबार के गादी नशीन हाजरा हुजूर दरवेश साईं परमानंद साहब जी के शुभ जन्मदिन के अवसर पर दरबार साहब के प्रांगण में निसर्ग उपचार कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर पिंपरी से पधारे विजय जामदार मारुति, जो हड्डी के विशेषज्ञ हैं, हड्डी रोगों का उन्होंने उपचार किया। आइए देखते हैं किस तरह कैंप आयोजित किया गया। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। दरवेश बाबा साईं परमानंद साहब जी के शुभ जन्मदिन के अवसर पर एक तरफ निसर्ग उपचार कैंप का आयोजन किया गया, वहीं नियमित रूप से संगत को कष्टों से, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए पूज मदार साहब का आयोजन भी किया गया। हर रोज यहां नित नियम से 13:13 बजे यानी 1:13 को मदार साहब का पाठ किया जाता है। साईं जी के बर्थडे के उपलक्ष में यहां पर अनाथ आश्रम के बच्चों को भोजन कराया गया। आरुषा,
उल्हासनगर जी सजी सात संगत के अत्यंत खुशी थी थे बुधाईंदे तो अज असाजे मुर्शिद तारीख 2 जून असाजे मुर्शिद हाजरा हजूर दरवेश साईं परमानंद साहब जिन जो शुभ जन्मदिन दरबार साहब में वड़ी धामधूम से मनाया वे तो पो उन उपलक्ष्य में सभी का पढ़ा श्री गुरु अखंड पाठ साहब जो रखा हुआ दरबार में उनको भोग साहब थो गडी गड वरी अनाथ आश्रम जहाँ कुछ बार आया जिनको भोजन दरबार साहब में कराया वो उन गड वरी हाँ एकड़ो डॉक्टर आयल है जिनकी मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज थे दरबार में आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर विजय जामदार फ्रॉम पिंपरी खास करे जिनके पुठिए जो सूर हुए जिनके पुठिए में तकलीफ हो खास करे स्लिप डिस्क या बैक पेन शुगर की तकलीफ हो जो खास इलाज आयुर्वेदिक इलाज उन डॉक्टर वट है सो सजी उल्हासनगर की संगत के बाबा साईं जन के जन्मदिन जो असाजे गुरु असाजे मुर्शिद असाजे खुदा असाजे भगवान उन्होंने जन्मदिन जो करोड़ करोड़ वादायूँ जाम जाम वादायूँ सजी उल्हासनगर सदाई खुश रहे आबाद रहे जय वसन घोट जय पारुषा रख रोड़ी वारते जय वसन घोट जय पारुषा रख रोड़ी वारते असाजे दरबार जा गादी नसीन हाजरा सु दरेश साईं परमानंद साहिब जन जो हाने बदे जय वसन घोट जय पारुषा रख रोड़ी वारते आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्हास दरवेश बाबा साईं परमानंद साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यालयों का उद्घाटन भी संपन्न हुआ
हमारे शहर के वरिष्ठ पत्रकार सत्यनपुरी के कार्यालय का उद्घाटन संगत के लाडले प्रिंस साईकाली राम साहब जी ने किया। इस अवसर पर साईकाली राम साहब जी के साथ में आदरणीय पंडित चंद्र महाराज जी भी उपस्थित थे। आज 2 जून का दिन एक बहुत ही बड़ा दिन है। एक तरफ साई वसंत शाह दरबार के गादी नशीन हाजरा हुजूर दरवेश साई परमानंद साहब जी का शुभ जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में दरबार साहब में आज हड्डी रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर जामदार मारुति हैं पिंपरी से, विशेषज्ञ यहाँ आए जिन्होंने लोगों का उपचार किया, जांच की। एक बहुत बड़ा कैंप साई वसंत शाह दरबार की तरफ से लगाया गया था और आज ही कई जगहों पर कई मुहूर्त कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। आज उल्लासनगर 3 में संतोष अपार्टमेंट में यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार सत्यनपुरी जी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ, नए दफ्तर का। और ये उद्घाटन संपन्न हुआ साई वसंत शाह दरबार के बाबा साई के सुपुत्र और संगत के लाडले प्यारे साई प्रिंस साई कालीराम साहब जी के हाथों। हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर अपने 2 शब्द आशीर्वाद के ज़रूर कहें। मेरी तरफ से सबको जय वसंतगोट और बाबा साई परमानंद साहब जी के जन्मदिन की उल्लासनगर की पूरी सात संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस अवसर पर हमारे प्यारे सत्यनपुरी दरबार के प्यारे जो काफ़ी सालों से दरबार से जुड़े हुए हैं और निष्काम भावना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि वैसे तो वो 17 तारीख को इनॉग्रेशन करने वाले थे लेकिन काफ़ी काम पेंडिंग हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम 2 तारीख को इनॉग्रेशन करेंगे। और क्योंकि 2 तारीख का दिन हम सब के लिए बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे मुर्शिद, हम सब के मुर्शिद, उनका जन्मदिन है, तो बहुत ही पवित्र दिन है हमारे लिए। तो मैंने कहा कि 2 तारीख को इनॉग्रेशन करेंगे। सो उनकी पूरी टीम को, हमारे सत्यनपुरी गुल और जो भी मनोज, हमारे जो भी प्यारे भाई हैं, उन सबको, गिट्टू सबको ऑफिस की ओपनिंग की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और साईं करें हमेशा ये आगे बढ़ते रहें, संतों का नाम रोशन करें, अपनी टीम का नाम रोशन करें। जय वसंत गुरु। इस दफ्तर का उद्देश्य क्या है, किस कारण से यह दफ्तर खोला गया है और साईं जी के हाथों इसका उद्घाटन किया गया, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं सत्यनपुरी जी, बताइए। वैसे तो बेसिकली ये जो ऑफिस है, ये जो हम लोग वेबसाइट चलाते हैं उल्लासनगर की, www.ulasnagarcity.com, ये उसकी ऑफिस है। बेसिकली यहाँ पर न्यूज़ का काम होगा। उसके अलावा हम लोग बहुत ही जल्द साईं जी के दुआ से एक NGO का उद्घाटन करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे जो समाज के कार्य होंगे उस काम के लिए भी, और हमारे ulasnagarcity.com के काम के लिए भी इस ऑफिस का उद्घाटन आज हुआ है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह धन गुरु नानक दरबार में पिछले 40 दिनों से इच्छा पूर्वक चालिया का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रोज श्री जपजी साहब का पाठ हो रहा था। हजारों की तादाद में संगत 24 घंटे आकर यहां पर पाठ कर रही थी। 2400 घंटे गुरु का अटूट लंगर बरताया जा रहा था और आखिरकार ये इच्छा पूर्वक चालिया संपन्न हुआ। भोग साहिब का आयोजन किया गया, संगत में लंगर बांटा गया। इस अवसर पर श्री जपजी साहब का पाठ करने पहुंचे शहर के गणमान्य लोग। जेखे गुरु बाबे सा प्यार वा खुशहाल वो हथ मथे करे गे, वो हथ मथे करे, वो हथ मथे करे, वो हथ मथे करे। जेखे गुरु कयो माला मा गुरु बाबे कयो अनिहार, वो हथ मथे करे, वो हथ मथे करे। जैके गुरु बाबे सा प्यार वा खुशहाल वो हथ मथे करे, वो हथ मथे करे। अमृत वेले जो भी आयो थो अतें जो लायो सजायो, जो अतें जो लायो सजायो, जो अतें जो लायो सजायो। ओ
गुरुअ कयई खुशहाल जंहिंखे गुरुअ कयो मालामाल उहो हथ मथे करे उहो हथ मथे करे जंहिंखे गुरु बाबे सां प्यारु आहे खुशहाल उहो हथ मथे करे उहो हथ मथे करे भागी से गुरु अदर आया गुरु वतन जा भाग बणाया गुरु वतन जा भाग बणाया गुरु वतन जा भाग बणाया हो जिन डिठो गुरु जो कमाल जंहिंखे गुरु कयो मालामाल उहो हथ मथे करे उहो हथ मथे करे जंहिंखे गुरु बाबे सां प्यारु आहे खुशहाल उहो हथ मथे करे उहो हथ मथे करे धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहब में आज 1 जून को इच्छा पूर्वक 40 दिन तेरा श्री जपजी साहब जी के पाठ जो 20 अप्रैल को रखे गए आज उनका भोग परा सारी साध संगत ने बहुत ही भावना प्यार इच्छा रख के इस पाठ को संपूर्ण किया। हम पूरे उल्लासनगर की साध संगत का शुक्राना करते हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे पाठ करके अपना जीवन सफल किया। ऐसा ही एक और चालिया गुरु नानक जयंती पर होता है जिसमें तेरा श्री जपजी साहब जी के पाठ रखे जाते हैं जो 23 सितंबर से 4 नवंबर तक होगा। सारी साध संगत से विनती है जरूर आगे का प्रोग्राम इसके लिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको ये तारीख याद रहे 23 सितंबर से 4 नवंबर। सारी साध संगत का हार्दिल से शुक्राना करते हुए बोल गुरु नानक देव की जय। बोल गुरु नानक देव की जय। अज असा इतने भाई साहब मेहरवान सिंह का जन्म दिन मल्हाण आया हूँ वो विया ना असा गडन मां तो तमाम भाग्यशाली आया जो मां इन पाड़े में ही रहो आया भाई साहब सा मां बचपन सा गड रहम मां अधि अम्मा जो भी दर्शन कयो अधि अम्मा में जेका शक्ति हुई अधि अम्मा जो जेको पावर हो वो सागो ही मां भाई साहब मेहरवान सिंह में डिठो वरी उन खां पो भाई साहब जसू सिंह में सेम वो ही पावर वही ही ताकत वही ही शक्ति मां दिसा तो जैते आसीस था रखन जैते हथ था रखन मां केतरा ही मिसाल बुधाईंदुम बुधाए सका तो उनमें काफ़ी टाइम लगन ये समझने की गाल है इन कोई भी का जो भी झोली खाली करे अचे तो वो भरे तो वे सभी झोलियों भरजन दी बोल गुरु नानक देव की जय। आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास। सरकार द्वारा आगामी 1 जुलाई से GST लागू की जानी है इसके बारे में उल्लासनगर में असमंजस की स्थिति है। किस तरह व्यापारियों को GST के बारे में बताया जाएगा किन उत्पादों के क्या दाम होंगे कितना टैक्स लगेगा इस बारे में हमने जानकारी ली फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश दुर्गानी से। आगामी 1 जुलाई से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होनी है। पूरे देश के व्यापारियों पर यह लागू हो जाएगी जिसका प्रभाव जनजीवन पर भी पड़ेगा। तो इस बारे में व्यापारी गण क्या कर रहे हैं क्योंकि लोगों में असमंजस की स्थिति है। कई दुकानदारों और व्यापारियों को भी नहीं मालूम है कि GST की दरें क्या है। इस बारे में यहाँ का जो प्रमुख व्यापारी संगठन है फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है नरेश दुर्गानी जी। हम उनसे जानना चाहते हैं आपने क्या इनिशिएटिव लिया है GST के बारे में। इनिशिएटिव एक्चुअली अब जो हम 1 जुलाई से जैसे सरकार ने अनाउंस किया है कि GST लागू होने वाली है कॉरपोरेशन की तरफ से अभी तक कोई भी GR की कॉपी किसी भी व्यापारी तक अभी तक सही ढंग से पहुंची नहीं है। तो ये GR जो है GST के बारे में किसी भी व्यापारी को अभी तक मैं समझता हूँ 5 से 10% छोड़ के शायद ही किसी व्यापारी को पता हो कि GST किस तरीके से लगेगी और हमको किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। इन सब बातों से अभी तक हमारे व्यापारी सब अनजान हैं किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हमारी फेडरेशन इस GST पे इनिशिएटिव ये लेगी
कि कहीं ना कहीं एक मीटिंग कॉल करेंगे जहां पर हमारे जीएसटी के जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, जो रिस्पांसिबल लोग हैं, जिनको इनके बारे में पूरा नॉलेज है, ताकि वो हमारे आम पब्लिक को, यानी जो हमारे छोटे छोटे कैश काउंटर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको बताया जाए कि ये जीएसटी किस तरीके से लगेगी और हमको किस तरीके से ये लोग इम्प्लीमेंट हमें करना है। देखिए, पिछली बार ना कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, लेकिन वो मुद्दे से थोड़ा अलग हटकर बातें वहाँ हो रही थी, जीएसटी की बातें कम हुई, लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि ये जो मीटिंग के बारे में, जो जीएसटी के बारे में बताया जाना है, वो संभव नहीं हो पाया था। तो आप ये मीटिंग कब कॉल करने वाले हैं? अब रिसेंटली हम लोग ये मीटिंग कॉल करने वाले हैं, क्योंकि जो सीए वगैरह जिन्होंने मीटिंग रखी थी, उन्होंने अपनी तरफ से जो उनकी बातें थी, गवर्नमेंट की तरफ से सीए को, अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, वो कैसे क्लाइंट से पेश आएंगे या उनको क्या करना है, उन्होंने वो वहाँ पे सब बातें बताई। लेकिन जीएसटी में हमारा पब्लिक का आम रोल क्या रहेगा, उसके बारे में वहाँ पर जानकारी नहीं थी। तो हम लोग अभी रिसेंटली एक मीटिंग रखना चाहेंगे जिसमें सभी लोगों को जीएसटी का सही मैसेज मिल सके। अच्छा नरेश जी, एक और बात है जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो प्रमुख मुद्दा है हमारे समाज से जुड़े एक बहुत बड़े धार्मिक स्थल का। पिछले 10 दिन हो गए हैं, गुजर चुके हैं 10 दिन, पूज्य चालिया साहब ट्रस्ट मंदिर में चोरी की वारदात हुई। काफ़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी चोरी इतने बड़े धार्मिक स्थल में हो गई और उसके जिम्मेदार लोग अभी तक नहीं पकड़े जा सके हैं, तो इस बारे में आप लोग क्या करेंगे? रमेश जी, हमारे कम्युनिटी की भावना को काफ़ी ठेस पहुंचा है, क्योंकि ये तीर्थ स्थान हमारे वर्ल्ड में फेमस है, झूलेलाल मंदिर, लोगों की श्रद्धाएं वहाँ पर हैं, और मतलब एक बहुत बड़ा अपने आप में एक हादसा कहते हैं वो हुआ है कि इतनी बड़ी चोरी मंदिर के अंदर हुई है और अभी तक वो अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। 10 दिन में उन चोरों को, अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। मैं शहर की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को मैं विनती करना चाहूँगा कि इसको इतना इनिशिएट लेकर इन अपराधियों को पकड़ा जाए, ताकि हमारे कम्युनिटी और हमारे शहर के लोगों को कहीं ना कहीं एक समाधान मिलना चाहिए कि हाँ, पुलिस अपने कार्य में काबिल हुई और कामयाब हुई और वो अपराधी पकड़े गए, ताकि हमें शहर में एक अच्छा मैसेज मिले और हमारी जो भावना को ठेस पहुँचा है उसको समाधान मिले। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। शक्तिपीठ सिद्ध पीताम्बरा पीठम आश्रम के सदगुरु स्वामी हरेश जी महाराज जी का आगामी 6 जून को है शुभ जन्मदिन। इस अवसर पर उनका अवतरण दिवस मनाया जाएगा। इसी अवसर पर यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न मेडिकल कैंपों को भी आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं सूफी करण बाबा। जय जय भवानी, जय सिंह शहनशाह। पूरे उल्लासनगर शहरवासियों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 6 जून 2017 हमारे मुर्शिद, हमारे मालिक, हमारे भगवान सदगुरु शहनशाह बाबा साईं हरेश जी महाराज का जन्मोत्सव है, जो जन्मोत्सव के दिन पे आश्रम के अंदर, शक्ति कृपा आश्रम के अंदर एक भव्य संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खास दिल्ली से कलाकार आकर संगीत की धूम मचाएंगे। सभी शहरवासियों को अजूरी रूप बाबा साईं नील महाराज जी की ओर से, जानू बाबा की ओर से, इस दास की ओर से, मोहक बाबा की ओर से हम लोग आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, साईं जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा साईं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 जून 2017 सोमवार के दिन पर शक्ति कृपा आश्रम में विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन किया गया है, जिसमें सवेरे 10 बजे से फ्री थायराइड चेकअप है, आँखों का चेकअप है और डायबिटीज़ का चेकअप है। 12 बजे से शाम 4 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखी गई है और शाम 7:30 बजे से लेकर स्टूडेंट्स को फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। तो इस संदेश को पूरे शहर भर में अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताएं और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। कैंप जो है वो 5 तारीख को है, सुबह 10 से 12 थायराइड चेकअप है, आइस चेकअप है और शुगर चेकअप है। 12 बजे से ब्लड डोनेशन कैंप है और शाम 7:30 बजे से फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग एक बार फिर हजूरी रूप बाबा साईं नील महाराज जी, जानू बाबा और ये दास पूरे शहर को
आमंत्रित करते हैं कि 6 जून को और 5 जून को आश्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जय जय भवानी, जय श्री शहंशाह। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। शिवयोग की तरफ से उल्लासनगर में जुलाई माह में पूज्य अवधूत शिवानंद जी का श्री विद्या लाइव शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 14 तारीख से 16 जुलाई को संपन्न होगा। इन 3 दिनों में जो प्रोग्राम रखा गया है उसका समय है शुक्रवार और शनिवार 3 बजे से लेकर 8 बजे तक और रविवार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। तो इसका रजिस्ट्रेशन जारी है, आप इन नंबरों को देखकर तुरंत अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। शिवयोग लाइव शिविर अद्वैत श्री विद्या साधना ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च साधना है जो न केवल सभी के ध्यान और साधना का सार अपने भीतर समाहित करती है। मानव बोध गुरु अवधूत शिवानंद जी इस ज्ञान की धरोहर के पथ प्रदर्शक हैं। जो भोग और मोक्ष दोनों दिलाए वो है अद्वैत श्री विद्या साधना। भोग और मोक्ष को देने वाली इस शक्ति साधना में ब्रह्मांड के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। इस साधना में इतनी शक्ति है कि जो भी किसी भी भाव से दीक्षा लेने आएगा उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और वो सुपात्र बन ही जाएगा। आपके जीवन में धन, प्रचुरता, खुशहाली, सफलता, भक्ति भाव से इस साधना को करने पर मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित कर्म भस्म होते हैं। शिव योग अद्वैत श्री विद्या साधना में साधक शक्ति पात लेता है जिससे उसकी चेतना का जागरण होता है और वो मोक्ष की यात्रा का सुपात्र होना प्रारंभ हो जाता है। श्री विद्या की साधना करता है, कुछ समय के बाद उसको संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। शिव योग अद्वैत श्री विद्या साधना मनुष्य को लोक परलोक से पार लगाने की साधना है। शिव योग लाइव शिविर अद्वैत श्री विद्या साधना। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।